नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल यूनिक टैक्स सॉल्यूशन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से ई नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन उसमें दोस्तों एक छोटा सा स्टेप मिस हो गया था हमसे, तो उस स्टेप को देखने के लिए आज का वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो दोस्तों हमारा यह 3 पार्ट का ही वीडियो था, लेकिन आज हमें चौथा पार्ट बनाना पड़ रहा है क्योंकि हमने उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स था वो मिस कर दिया था। दोस्तों, उस फॉर्म पे जो हमने नॉमिनी जो बनाया था उसमें दोस्तों हमने हमारे ई साइन नहीं किया, क्योंकि दोस्तों जब तक आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करोगे तो वो डॉक्यूमेंट किस तरह से वैलिड हो पाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से ई साइन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सब्सक्राइब बटन के पास जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम हमारा ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, अब हम लिखेंगे EPFO, ठीक है, और एंटर करेंगे। दोस्तों एंटर करने के बाद वही हमें मेंबर होम पे क्लिक करना है दोस्तों। एक मिनट, तो दोस्तों मेंबर होम पे हम क्लिक कर देंगे। अब हम हमारा यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर हम इसमें एंटर हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया है और हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं, डोंट सेव। तो दोस्तों वही पॉपअप विंडो ओपन हुआ है, यहाँ हम लेटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें कहाँ जाना है, मैनेज वाले ऑप्शन पे। कहाँ जाना दोस्तों, मैनेज वाले ऑप्शन पे। ये जो मैनेज ऑप्शन है यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, आज हमें हमारा ई साइन करना है, जो हमने नॉमिनी बनाया था उसको वेरीफाई करने के लिए ई साइन करना है। तो हम क्या करेंगे, मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर है दोस्तों हमारा ई नॉमिनेशन, ठीक है, ये ई नॉमिनेशन, इस पर क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों ये वाला विंडो ओपन होगा, ठीक है, जहाँ जो कि हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो लास्ट वीडियो, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो दोस्तों उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ई साइन करना है। ई साइन दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ई साइन, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ई साइन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम ई साइन पे क्लिक करेंगे हमारे पास हस्ताक्षर वाला जो एक विंडो ओपन होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, इस चेक बॉक्स पे टिक लगा देंगे। ये जो चेक बॉक्स है दोस्तों यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, इस वाले चेक बॉक्स पे टिक लगा दिया दोस्तों। प्रोसेसिंग चल रहा है, एक नया विंडो ओपन होगा। तो जैसे ही हमने उस पर टिक लगा के ओके किया, तो जैसे सॉरी ओके नहीं करना है, टिक लगाया तो हमारे पास ये वाला विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर दोस्तों हम आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी से ई साइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपना सिंपली आधार नंबर से ई साइन करेंगे। तो मैं यहाँ अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें अपना आधार नंबर डालना है, ना कि नॉमिनी का, ठीक है दोस्तों। हमने हमारा आधार नंबर डाल दिया है, अब हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो गेट ओटीपी वाला ऑप्शन है दोस्तों इस पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जो मोबाइल आपके आधार से लिंक है, ठीक है। यहाँ डाल मेरा ओटीपी आ गया दोस्तों, अब यहाँ हम अपना ओटीपी डालते हैं। तो यहाँ हमने हमारा ओटीपी डाल दिया है, अब हम जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर हम टिक लगा देंगे। ये जो चेक बॉक्स है यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। और भाई आपको अगर इसको सुनना है तो यहाँ लिसन कंटेंट पे जाके सुन भी सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जैसे भी सुनना हो। आप यहाँ पे क्या लिखा है,
वो आपको सुना देगा दोस्तों, ठीक है। तो मुझे नहीं सुनना है तो मैं सीधा जाके सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, डोंट सेव। तो दोस्तों जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया, हमारा ई साइन रजिस्टर्ड कम्प्लीटली हो गया दोस्तों। ये डिजिटल साइन है, ठीक है। तो जो हमारे आधार कार्ड में जो साइन किए हुए हैं, वही साइन को, उसी सिग्नेचर को इन्होंने डिजिटल फॉर्म में बदल दिया है। तो हमारा ई साइन भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हम हमारे नॉमिनी, जो हमने नॉमिनी ऐड किया था, उसमें हमारे ई साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।